हेलो फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न द चैप्टर नंबर 5 दैट इज फैमिलीज वैल्यू। हम लोग पैराग्राफ पढ़ूंगा, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर ढूंढूंगा, तो आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला रोल इन डिसीजन मेकिंग। वी लाइव टुगेदर इन फैमिली, एवरी पर्सन लाइक एंड डिसलाइक्स आर डिफरेंट, थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन ऑल्सो बी डिफर, वी आवर सेल्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इवन सो आवर थॉट्स एंड ओपिनियन कैन मैच दोज ऑफ अदर्स ऑन एवरी वेरियस टॉपिक्स। मतलब हम फैमिली में साथ में रहते हैं, हमारा पसंद नापसंद अलग है, सबका पसंद नापसंद एक दूसरे से अलग होता है। इवन सो आवर थॉट एंड ओपिनियंस कैन मैच दोज ऑफ अदर्स और वेरियस टॉपिक, हमारे सोच जो है दूसरों से मिल भी सकते हैं। वी हैव लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी टेक केयर ऑफ ईच अदर्स एंड आर कंसर्न अबाउट अदर्स पीपल्स वेलबींग, हम लोग एक दूसरे का ध्यान देते हैं और दूसरे की फैमिली के बारे दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। वी टॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजन अबाउट एनीथिंग इन द हाउस, मतलब कोई भी डिसीजन लेना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक डिसीजन दैट एवरी वन एग्री विद दिस, हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। इन दिस वे वी आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली, हम लोग क्या है फैमिली में एक डिसीजन लेने के पार्ट है। तो मतलब इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसमें हम लोग पढ़ा कि हम फैमिली मेम्बर साथ में रहते हैं, हर एक का लाइक डिसलाइक एक दूसरे से लाइक डिसलाइक से अलग होता है, हम कोई भी डिसीजन लेना रहेगा तो हम फैमिली मेम्बर्स आपस में डिस्कशन करके फिर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग, क्या होता है जब सबको रोल डिसीजन लेने का पावर होता है। ईच पर्सन गेट द अपॉर्चुनिटी से व्हाट दे थिंक, हर एक पर्सन को मौका मिलता है बात करने का। बाय आस्किंग एवरीवन्स ओपिनियन द सब्जेक्ट इज थ्रूली डिस्कस्ड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, सब लोग का ओपिनियन जानने के बाद सब लोग के हिसाब से बातचीत होती है। We feel like a more important part of the family when we see that our opinion is valued. और हम लोग अपने आप को बहुत important feel करते हैं जब हमारी बातों को कोई सुनता है। समझ गया, this is the first question. What happens when everyone has role in decision making? क्या होता है जब सबको बोलने का अधिकार, सबको decision लेने का अधिकार होगा तो। Each person get the opportunity to say what they think. हर एक person को opportunity होती है। By asking everyone's opinion, the subject is thoroughly discussed from every aspect. सब लोगों से बातचीत करके क्या होता है, discussion होता है। We feel like more important part of our family. हम लोग अपनी फैमिली का एक important part अपने आप को समझते हैं क्योंकि हमारे बातों को सुना जाता है। Next, we feel need for minor changes in our environment. हमारे environment में कुछ भी changes होता है हम लोग feel करते हैं। It is to our advantage that everyone has a role in making decision about changes in our surrounding. हर एक को decision लेने का अधिकार होता है। द गवर्नमेंट वी इलेक्ट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग पब्लिक मैटर, गवर्नमेंट को हमने सिलेक्ट किया पब्लिक मैटर से डिसीजन लेने के लिए। इफ़ यू फील दैट डिसीजन मेड बाई गवर्नमेंट इज रॉन्ग, अगर हमको लगता है कि गवर्नमेंट ने रॉन्ग डिसीजन लिया है, वी कैन रजिस्टर आवर ओपिनियन, हम लोग अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं। इन दिस वे वी कैन पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हम इस जरिए से भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के पार्ट्स हो सकते हैं। इज दिस क्लियर, हम लोगों ने क्या किया, हमारे इन्वायरमेंट में थोड़ा भी चेंजेस होता है तो हमको पता चलता है, राइट। गवर्नमेंट को हमने सेलेक्ट किया है डिसीजन लेने के लिए पब्लिक मैटर के बारे में, अगर हमको लगता है कि पब्लिक गवर्नमेंट ने रॉन्ग डिसीजन लिया तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट डालते हैं और हमारा खुद का डिसीजन सुनाते हैं। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट, वी डू मेनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे, समटाइम्स वी मेक मिस्टेक, व्हेन वी रियलाइज दैट वी हैव मेड मिस्टेक वी शुड टॉक अबाउट इट ओपनली विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, By doing this, we learn to be honest and find a way to correct our mistake. हाँ, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमसे कभी कभी गलती भी हो जाती है जी, लेकिन जब हमको फील होता है कि हमने गलती की तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स को अपने फैमिली मेम्बर्स को बता देते हैं। ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, हम ईमानदार बन जाते हैं और हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी हॉनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क, हमें अपने काम में सिंसियर होना चाहिए। वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एवरी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट, हमको कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमको सबके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इफ़ वी आर हॉनेस्ट वी डू नॉट हैव टू, अगर हम हॉनेस्ट रहेंगे तो डू नॉट हैव टू अफ्रेड, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ वी आर डिसऑनेस्ट, अगर हम डिसऑनेस्ट रहेंगे वी लूज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वी मस्ट बी हॉनेस्ट एट होम एज वेल एज पब्लिक, हमको होम घर पर भी हॉनेस्ट रहना चाहिए और पब्लिक में भी हॉनेस्ट रहना चाहिए। एवरी हॉनेस्ट रिस्पेक्ट पर्सन और हॉनेस्ट पर्सन, हर एक को क्या करना चाहिए, ईमानदार आदमी का स्वागत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हॉनेस्टी इज आवर स्ट्रेंथ, हॉनेस्टी हमारी ताकत है। तो समझ गया, तो जब भी हम फैमिली मेम्बर्स में गलती करते हैं तो हम क्या करना चाहिए, हमें फैमिली मेम्बर्स को बता देना चाहिए, उससे हमारी मिस्टेक को सुधार हो सकती है, ठीक है। दूसरा चीज़,
हमको जो भी काम करना है ईमानदारी से करना चाहिए, हार्डवर्क से करना चाहिए और दूसरों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, दूसरे को चीटिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हम किसी से डरेंगे नहीं, लेकिन अगर हम डिसऑनेस्टली काम करेंगे तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देंगे। हॉनेस्ट इन पब्लिक लाइफ, इफ वी आर हॉनेस्ट इन आर पब्लिक लाइफ वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज। अगर हम हॉनेस्ट रहेंगे पब्लिक लाइफ में तो हमको अच्छी सर्विस मिलेगी। व्हाट हैपेंस इफ वी ट्रैवल ऑन अ ट्रेन बस विदाउट टिकट, क्या होगा अगर हमने ट्रैवल किया ट्रेन में और बस में बिना टिकट का? आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल रन एट लॉस, हम लोग टिकट नहीं खरीदेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, लॉस में चले जाएगा। एंड वुड सून हैव टू शट डाउन, और कंपनी बंद हो जाएगी। इफ ईच पर्सन बायज अ टिकट ऑनेस्टली दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज, अगर सब लोगों ने टिकट खरीदा तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। तो समझ गया, हमको पब्लिक लाइफ में भी ऑनेस्टली दिखानी चाहिए, हमको पब्लिक सर्विस का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और हमको टाइम पे टिकट खरीदना चाहिए। ट्रेन में जा रहे हैं बस में जा रहे हो टिकट खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम बस और ट्रेन में टिकट नहीं खरीदेंगे तो बस और ट्रेन की जो कंपनी वो लॉस में जाएगी और कंपनी बंद हो जाएगी तो हमको वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। हॉनेस्टी कैन इंक्रीज इफिशियंस इन पब्लिक लाइफ, हॉनेस्टी से क्या होता है हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज डिसिप्लिन एंड इफिशियंस इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में हम हॉनेस्टी से डिसिप्लिन बढ़ा सकते हैं, इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। समझ गया, तो नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट द आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर कर दें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हॉनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट, हॉनेस्ट और डिसऑनेस्ट का इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, इसके आंसर्स के लिए मैं बताता हूँ आंसर कहाँ पे है। यहाँ से, इफ वी आर हॉनेस्ट, अगर हम ईमानदार हैं, वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड। राइट, आंसर किधर है? If we are honest, अगर हम ईमानदार हैं, we do not have to be afraid. But if we are dishonest, we lose our self-confidence. समझ गए आंसर? कहाँ से कहाँ तक है? If we are honest, we do not have to be afraid. But if we are dishonest, we lose our self-confidence. समझ गए आंसर? देखो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, what is the effect of honest and dishonest? Answer will be, if we are honest, we do not have to be afraid. But if we are dishonest, we lose our self-confidence. Is this clear? This is the first question answer. Second question, what happens if we travel or on public transport without ticket? What happens if we travel on public transport without ticket? O-N, it is N. So what happens if we travel on public transport without ticket? Kya hoga? क्वेश्चन का मतलब था कि अगर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन बस में विदाउट टिकट ट्रैवल किया तो क्या होगा। आंसर इज, आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल रन एट लॉस, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हो जाएगी, लॉस में जाएगी। एंड वुड सून हैव टू शट डाउन, और सब कंपनी बंद हो जाएगी। समझ गया, अगर हमने ट्रेन या बस का टिकट नहीं खरीदा, आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल रन एट लॉस, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉस में जाएगी। एंड वुड सून हैव टू शट डाउन, और बंद हो जाएगी। इज दिस क्लियर? दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन आंसर, व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीवन हैज रोल इन डिसीजन मेकिंग, क्या होगा जब सबको डिसीजन लेने का पावर होगा। दिस विल बी द थ्री पॉइंट्स, ईच पर्सन गेट द अपॉर्चुनिटी, एंड ये तीन पॉइंट्स का आंसर है। ईच पर्सन गेट द अपॉर्चुनिटी से व्हाट दे थिंक, हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्या उसको कहना है। बाय आस्किंग एवरीवन्स ओपिनियन सब्जेक्ट इज थ्रोली डिस्कस फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, सबको पूछने के बाद सब मैटर डिस्कस होगा। वी फील लाइक मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली व्हेन वी सी दैट आवर ओपिनियन इज वैल्यूड, हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमको लगेगा हम बहुत ईमानदार इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी वैल्यू को हमारी बातों को सुना जा रहा है। इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डू वी लर्न हॉनेस्टी, हम लोग हॉनेस्टी कैसे सीख सकते हैं। आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, व्हेन वी रियलाइज दैट वी हैड मिस्टेक, वी शुड टॉक अबाउट इट ओपनली विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बाय डूइंग दिस वी लर्न टू बी हॉनेस्ट। ये उसका आंसर है। When we realize that we had made a mistake, जब हमको realize होगा कि हमने mistake किए, we should talk about it openly with our friends and family, हमको friends और family से बात करना चाहिए। By doing this, we learn to be honest, हम लोग ईमानदार बन सकते हैं। Next question is, when do we lose our self-confidence, हम अपना self-confidence कब lose करते हैं। इसका answer, if we are dishonest, we lose our self-confidence, if we are dishonest, we lose our self-confidence, answer for that question, okay? Then, you have to write the answer for this 5 question. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.